नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि जो गरीब तबके के लोग हैं, 94 लाख जो लोग हैं, भूमिहीन लोग हैं, उनको 2-2 लाख रुपए दिया जाएगा। कितना सहमत है आप? अगर दे दिया जाए तो ठीक है, लेकिन घोषणा करने वाली बात तो और होता है, देने वाली बात और। अभी तक यह उम्मीद है कि नहीं? नहीं, अभी तक कोई उम्मीद नहीं। छोटे माता सब देख रहा था वोट मांगने के लिए, कुछ तो देता नहीं है, कुछ नहीं है, जो मैंने 10 आदमी काम कर सके। बिहार सरकार मजदूरों के खिलाफ क्या है? मजदूर के साथ में ये खिलाफ में साथ भी नहीं है ना, मजदूर मजदूरी करते हैं। अच्छा, क्या मिलता है, कितने पैसे मिल जाते हैं आपको? 200-300 रुपए मिलता है पूरा दिन का, पूरे दिन का 300 रुपए। नीतीश कुमार से क्या सवाल है? शर्म बना रखा है, क्या सवाल पूछेगा? नीतीश कुमार से सवाल है क्या, यहाँ पे एक बड़ा फैक्ट्री बना दिया जाए, हम लोग को 10 आदमी कम मजदूरी करके खाएंगे पिएंगे, इतना बाहर जाने का जरूरत नहीं रहेगा, 10 रुपए कमाएंगे अपना जान पे, बाहर जाके अपना घर परिवार को छोड़ के जाता हूँ, 10 रुपए कमा के लाता हूँ, उसमें से 20% तो खत्म हो जाता है ऐसे खाने पीने में। नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि जो गरीब तबके के लोग हैं, 94 लाख जो लोग हैं, भूमिहीन लोग हैं, उनको 2-2 लाख रुपए दिया जाएगा। कितना सहमत है आप? अगर दे दिया जाए तो ठीक है, लेकिन घोषणा करने वाली बात तो और होता है, देने वाली बात और। अभी तक यह उम्मीद है कि नहीं? नहीं, अभी तक कोई उम्मीद नहीं है। आप लोगों को लगता है 2 लाख रुपए मिलेंगे? नहीं नहीं, अभी तक कोई बात नहीं दिया था। 2 लाख रुपए डेली भरते हैं, डेली का पेपर भरते हैं, हम चाहेगा तो देगा ना। हाँ। इतना दे रहा है अभी तो और भी दे रहा हूँ। जनता का मानना है कि जब तक वोट, जब तक जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था 15 लाख रुपए खाते में देंगे, कहीं इसी तरह जुमला तो नहीं ये डर बना हुआ है? कोई डर नहीं, जो मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, उसका गुलाम हम भी नहीं है तो वो हमारा भी गुलाम नहीं है। आप वोट करते हैं? आप वोट करते हैं ना? ऐसा तो जब इलेक्शन का टाइम आता है सब बोल जाता है वोट मांगने के लिए, कुछ तो देता नहीं है, क्या देता है, वोट ले लेता है, कोई काम हुआ या नहीं हुआ वो समझे और उसका काम करेंगे, उसे क्या मतलब है? अच्छा, आप क्या काम करते हैं? आप क्या काम करते हैं? हम करते हैं सेंडिंग का काम, करते हैं मजदूरी करते हैं। अच्छा, मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते हैं जी। बेरोजगार को लेकर क्या कहेंगे? क्या मजदूरों को लेकर क्या बोलेंगे? मजदूरी के लिए क्या कहेंगे? उसको कुछ दिलाओ, घर 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 में भेजाओ पैसा, उसका हर एक बच्चे का एक सही अभी खाता चल रहा है, सब में खाता में डालो 2000 तब मानेंगे, किसी को तो दे रहा नहीं तो फिर मतलब ऐसा लगा कर क्या होगा? अरे सीमांचल में आखिर मजदूर क्यों इतना ज्यादा जो पलायन करते हैं ट्रेन भर भर कर पंजाब हरियाणा चंडीगढ़? मजदूर अब उसके पास मजबूरी है तो करना पड़ेगा ना, उसका पैर फोड़ भरने पड़ेगा। आप तो मजबूर मजदूरी करते ही वो मतलब खा पाएगा जो रोटी, मजदूरी नहीं करेगा तो आपके पास भीड़ मांगना तो हो जाएगा, उसका भी कुछ इज्जत है कि नहीं? बिहार सरकार आखिर सभी जितने भी यहाँ पे फैक्ट्री है, मिल है, जूट मिल, सभी को कवर करके आ चुकी है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी है, फैक्ट्री भी नहीं दे रहा है जो मतलब 10 आदमी काम कर सके। इसमें कौन सा फैक्ट्री है बिहार में? आज परिवार से यहाँ करता है, कल 1 महीना रह करके परिवार से रह नहीं पाता और बाहर निकल जाता है, परिवार यहाँ और वो बेचारा बाहर, इस तरह क्या जिंदगी है? मैं बिहार सरकार मजदूरों के खिलाफ क्या है? मजदूर के साथ में ये खिलाफ में साथ भी नहीं है ना, मजदूर के साथ होता तो मजदूर को भला होता, कोई भला मजदूर का नहीं है। मजदूर मुक्त बिहार बनाना चाहती है सरकार? सरकार तो चाहती है लेकिन हो नहीं पा रहा है क्योंकि बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। देश और दुनिया के हर कोने में सीमांचल के मजदूर मिलेंगे, क्या सीमांचल और बिहार को मजदूरों का अड्डा बना के रखा जाएगा? अड्डा अभी तक तो बना हुआ है, अड्डा ही बना हुआ है, अड्डा बना हुआ है ना, क्या मैंने बोला आपको बताया ना, वो अड्डा बना हुआ है, उसको करता ही नहीं है, वोट मांगने से ना आता है, वो वोट मांग लेता है, जीत लेता है, बस अपने घर में कुर्सी में बैठ के रहो। इस बार आप लोगों का मुद्दा होना चाहिए सीमांचल के मजदूर पलायन, एक मुद्दा ऐसा होना चाहिए जो मतलब थोड़ा इसको मजदूर को भी मतलब काम दिलाना चाहिए, मजदूर को भी मतलब कुछ बनाना चाहिए, फैक्ट्री वैक्ट्री जो मजदूर कहीं जाएगा नहीं, इधर का मजदूर जाता है दिल्ली बम्बई में, क्या करेगा, कमा गया था जाने में आने में तो 10,000 खत्म हो जाएगा, तो महीने में वो कितना कमाएगा, परिवार को लेकर छोड़ परिवार को छोड़ कर जाता है, क्या टका वो कमाता है? तो बिहार सरकार मजदूरों के नहीं सोचती है क्या? कुछ नहीं समझता है, सब कुछ नहीं, जीतने के बाद वो अपना कुर्सी लेकर बैठा रहता है। एक सवाल आप सभी से है कि जो शिक्षित जो पढ़े लिखे लोग हैं है ना, उसको शिक्षा भर्ती में दे दिया गया है, वो शिक्षक बन गए हैं, 40,000-50,000 जो भी तरफा मिले, लेकिन मजदूरों के लिए सरकार ये स्कीम क्यों नहीं लाती है, उनके लिए फैक्ट्री क्यों नहीं खोले जाते, क्या बेबसी है? उन्हीं को नेता बोलेगा ना जो क्यों नहीं खोल रहे हैं, हम लोग तो बोल नहीं सकते, हम लोग तो मजदूर आदमी, हम लोग को मजदूरी करना है, 500 रुपए का सामने आएगा, हट जाएंगे, सब्जी लेके घर जाएंगे।
अच्छा मजदूरों को लेकर पलायन क्यों हो रहा है? क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार। रंजीत कुमार, रंजीत आप क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं, आवाज बोलिए। मजदूरी करते हैं। अच्छा, क्या मिलता है, कितने पैसे मिल जाते हैं आपको? 200-300 रुपए मिलता है पूरा दिन का। पूरे दिन का 300 रुपए मिलता है। अच्छा कितना? 500-300 रुपए मिलता है। चलो 5 रुपए भी मायने नहीं रखता है, ठीक है, 500 रुपए या 300 रुपए मिलते हैं। कितनी परेशानी होती है आपको? बहुत परेशानी होती है। परेशानी बहुत। कोई फैक्ट्री वगैरह क्यों नहीं बन पा रहा आप लोग? फैक्ट्री वगैरह बन जाता तो हम लोग यहाँ से छोड़ के, अपना घर द्वार छोड़ के, परिवार पूरा छोड़ के दिल्ली, बॉम्बे, अहमदाबाद, सूरत में जाता है। 10 रुपए कमाता, अपना आराम से खाते हैं। इतना तकलीफ उठा के सब जाने। क्या हुआ है आपको? हमारा 22 साल। 22 साल के बस? कब से काम करो मजदूरी का? 7 साल से, छोटा उम्र से काम कर रहा हूँ। तो क्या आप लोगों के लिए सरकार नहीं सोचती है? नहीं सोच रहा है सरकार, सोचते है तो ऐसा हालत नहीं होगा। हम लोग अभी मजदूरी करके आ रहा हूँ। अच्छा नहीं नहीं, मोदी सरकार सोचती है मजदूरों के लिए, नहीं राज्य सरकार नीतीश कुमार सोचती है? कोई नहीं सोचता। मंत्रियों के बच्चे विदेश में पढ़ने जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, गरीब के बच्चे उधर होता है, सरकारी स्कूल में तो पढ़ा होता नहीं, पढ़ा स्कूल चाहिए जरूर। अच्छा आप बिहार सरकार नीतीश कुमार से एक मजदूर होने के नाते क्या सवाल पूछेंगे आज? नीतीश कुमार क्या करेगा यार, 5 किलो चावल देता है, 5 किलो रास्ते में खा जाता है। बोलिए बोलिए, नीतीश कुमार से पहला सवाल है, उधर बोलिए, नीतीश कुमार से क्या सवाल है? शर्म बना रखा है, क्या सवाल पूछेगा नीतीश कुमार से? सवाल है क्या, यहाँ पे एक बड़ा फैक्ट्री बना दिया जाए, हम लोग को 10 आदमी कम मजदूरी करके खाएंगे पिएंगे, इतना बाहर जाने का जरूरत नहीं होगा, 10 रुपए कमाएंगे अपना जान पे, बाहर जाके अपना घर परिवार को छोड़ के जाता हूँ, 10 रुपए कमा के लाता हूँ, उसमें से 20% खत्म हो जाता है ऐसे खाने पीने में, 10,000-12,000 रुपए कमा के लाता है, उसमें से भी 2-3,000-4,000 खत्म हो जाता है। 22 साल की उम्र में मजदूरी करते, मैंने 18-19 साल के लड़कों को मजदूरी करते हुए देखा है, लेकिन बिहार सरकार को चाहिए कि जिस तरह से शिक्षक भर्ती की गई है उसी तरह से मजदूरों के लिए एक फैक्ट्री, नई नई फैक्ट्री होनी चाहिए जहाँ पर मजदूर काम कर सके, अपने परिवार के साथ रह सके और कोई फायदा